सुबह हो चुकी है, रात को सो के उठ चुके हैं, रात को बहुत ज्यादा थक हार के हम सोए थे, और आज होगा विवान का मुंडन, बेसिकली उसके बांध होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि काजल कैसी लग रही है गढ़वाली ड्रेस में। तो ये है हमारी काजल। अच्छी लग रही हो। ये फर्स्ट टाइम मैंने नथ पहनी है। क्यों, फर्स्ट टाइम को पहनी थी शादी? काजल बहुत ही ज्यादा बुरी तरह थकी हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हम तो चलो ठीक है बाहर का काम कर रहे हैं, लेकिन ये घर के काम में ही, मतलब हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसी आदत है ऑलरेडी, बट होता है ना, कोई भी ओकेजन, कोई भी फेस्टिवल होता है घर का, कोई भी त्यौहार होता है, त्यौहार घर का कोई भी फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में टायर्डनेस तो हो ही जाती है घर की लेडीज को, तो सबसे ज्यादा सजना है मुझे विवान के लिए क्योंकि मेरे लिए तो सजेगी, तो विवान के लिए आज काजल सजी है। उधर फेस करो। ओहो, ये है हमारी गढ़वाली कल्चर की नथ। हालांकि इसने छोटी पहनी है, बहुत बड़ी बड़ी पहनते भाभी ने, अभी दीदी का देखें, दीदी ने बहुत बड़ा पहना है। ये मेरा फर्स्ट शादी के बाद का फैमिली फंक्शन है, और इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है, जानने को भी मिल रही है, क्योंकि मतलब बिल्कुल कल्चर हर किसी का अलग अलग होता है, और ये बिल्कुल ही अलग कल्चर है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को, तो मज़ा भी आ रहा है, थकान भी हो रही है, बट ठीक है, अभी बांध होने तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होते हैं उसमें। आगे बैठते मम्मी, मम्मी भी हो चुकी है रेडी। मैं काजल से पूछ रहा था काजल को क्या लग रहा है गढ़वाली कल्चर में नथ पहन के। हाँ बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कैमरे के सामने हो रहा है कि वैसे ही? नहीं। हाँ चलो बताओ मम्मी। बताओ पूछो, कैसे से पूछो ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रही है चीजें। हाँ और पता चलता है क्या, कैसे काम कर रहे हैं? काजल वीडियो में पीछे बोल रही थी दिन रात काम कर रही है। झूठ बोल रही है। हाँ ससुराल ऐसे थोड़ी झूठ बोल रही है। ये है भाभी, भाभी एक मिनट जरा दो बस, ये है भाभी, बहुत लेट हो रही है। ये है भाभी, एक घूम जा, एक बार घूम जा, घूम जा, एक बार घूम जा। ये मेरी दोनों की रहनी है, लाइटी है। हैं क्या? ये मेरी दोनों की रहनी है। तुम नहीं हो रहनी? नहीं मैं तो सीनियर पोस्ट पे हूँ। तुम एक्सपायरी हो रहे हो? सीनियर हो या सीनियर हो? मम्मी सीनियर है, लेकिन तब भी मिलिट्री, मम्मी की मिलिट्री। Yeah.
वेरी गुड इधर देखिए विमान एक साथ ही जाओ ना बड़े बड़े कंटेनर यहाँ आइसक्रीम बनती है। यह है कोल्ड रूम, यहाँ पे आइसक्रीम रखी जाती है। मेरी कुल्फी जम गई है मैन। ये है कोल्ड रूम और ये तो कुल्फी जम गई। और तेरी बल लेकिन दादा लाइट जाने में अच्छा बैकअप होगा। तू कितना तू करना तेरे क्या हो आज काजल तू ही मार्केट वाली डांस कर रही है वाली डांस कर रही है अभी मैं उसको डांस दिया सब लोग जैसे देख रहे हो डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं हर कोई। ये सबसे अच्छी चीज लगी। ये मेरे असाड़ू चाचा हर कोई लगा हुआ है। अभी कुछ लोग नीचे हैं कुछ लोग ऊपर हैं। जितना हो सके हमने इस लॉकडाउन में काफ़ी एहतियातन बरती है। हमने वेटर्स को ज़्यादा नहीं रखा सर्व करने के लिए, इसलिए हम खुद ही सर्व कर रहे हैं और जिसको जो खाना लेना है वो खुद ही अपने आप ही ले रहा है। वैसे फाइनल दो बेगम मोहतरमाएँ आ गई है खाना खाने के लिए। कैसा है खाना है? कितने सारे चावल खा रहे हैं देख लो, तेरे दिल तक भूखने लगेगी जाते जाते। विवान इधर देखो आप इतने अच्छे क्यों लग रहे हो? अरे तकलार हो गया। विमान का आज मुंडन हुआ है, भूख लग रही है। आप तो अपने आप खा रहे हो खाने के लिए, आपकी क्या है छुट्टिया? फाइनली काम निपट चुका है ऑलमोस्ट सारा और मेरी नीज से नीचे वाला एरिया इतना ज्यादा पेन हो रहा है। मुझे लगा मेरा नहीं पूरी फैमिली का ही हो रहा होगा क्योंकि हर किसी ने इतना ज्यादा काम किया। हमने बहुत ज्यादा काम भी किया, डांस भी किया। डांस इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, तुमने कैसा तुम्हें कैसा लगा ये तो बताओ पहले अपना एक्सपीरियंस। मजा आया फुल ऑन, बट काम काम इसलिए था शायद आज का भी मैं बताऊं क्योंकि आज जो सर्व करने के लिए आज नहीं था उतना काम। आज नहीं था कल ज्यादा था, लेकिन आज क्योंकि बॉयज का ज्यादा काम था क्योंकि गर्ल्स का जो काम था किचन का था, इसलिए वो कह रही होगी कल। आज सुबह का और लंच हमारा सारा ऊपर बना था, कुक वगैरह बाहर से आए थे, लेकिन जो सर्व करने वाले वेटर्स थे हमने किसी को भी नहीं रखा था जस्ट ड्यू बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, और इसलिए हमने खुद सर्व किया था। काफी लोगों ने खुद लिया था। जनरली गढ़वाली में हम खुद ही मतलब लेते हैं, हमें ये दिखाता है मतलब बाहर का कोई और नहीं परोसता खाना, ये होता है हम अपने में ही सब मिलके करते हैं, ऐसा होता है। वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी ओवरऑल आपने एंजॉय किया होगा पूरी हमारी विवान के मुंडन सेरेमनी को और इसके डांस को सबके साथ को। और
कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा पूरी सेरेमनी का, और हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और बेल आइकन क्लिक ना किया हो तो बेल आइकन जल्दी से क्लिक कर दे, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। होल्ड मी क्लोज टिल आई गेट अप, टाइम इज बेली ऑन आवर साइड, आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स लाइक।